Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल में. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ वन अकेडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं. और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ. और रीजनिंग का ये स्पेशल सेशन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोक. ठीक है, क्लोक चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आज सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सीखेंगे, सारे शॉर्टकट सीखेंगे, सारी शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे. तो मेरे भाई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सभी लोग फटाफट से आ जाइए और एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग अच्छे से. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. और यह सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. तो फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे सेशन को, ताकि सभी लोग आ जाएं और जुड़ जाएं कि मेरे भाई क्लोक सेशन स्टार्ट हो चुका है. दीपक सर ने क्लोक सेशन स्टार्ट कर दिया है भाई. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस. कैसे हैं आप सभी लोग, सबसे पहले ये बता दीजिए. राम राम लक्ष्मण जी, क्या बात है. लक्ष्मण नाम है आपका और आप राम राम जप रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है. लव यू गाइस, लव यू ऑल, सभी को मेरी तरफ से. और चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग सेशन. पर उससे पहले फटाफट से एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए. कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग काबिलियत से. ढंग से देखना इधर. कागज जो है अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से. इसलिए किस्मत अगर साथ ना भी दे तो भी काबिलियत जरूर साथ देती है मेरे भाई. ठीक है ना, कि अगर आप काबिल हो ना और काबिलियत है आप में, तो आपकी काबिलियत के दम पर आप लोग जो है आपकी किस्मत भी आपका साथ दे देगी और आप डेफिनेटली अपनी सक्सेस को प्राप्त करेंगे. लेकिन कभी भी कागज मत बनना मेरे भाई. ठीक है, सब कुछ भरोसा, सब कुछ ऊपर वाले पर देखो मत छोड़ देना. अपनी मेहनत और अपने आप पे भरोसा रखना हमेशा. मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको पता है, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो, बस अपने आप पे भरोसा रखो. ठीक है ना, अपने आप से बात करो. हमें दुनिया के बारे में, दूर दराज के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जानते कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, हमें लाइफ में किस मुकाम पर पहुँचना है. इसीलिए अपने आप को जानो सबसे पहले, ये ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है ना मेरे भाई. तो फटाफट से एक बार, लगभग 3000 बच्चे अपने साथ जुड़ चुके हैं और अपन लोग आगे बढ़ेंगे. पर उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं बहुत ही ज़बरदस्त, कि आप लोग रेलवे, बैंक, एसएससी किसी भी स्ट्रीम में अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दीपू 10 रेफरल कोड लगाकर आप इन कोर्सेज में एक्सेस पा सकते हैं. मेरे कोर्सेज सभी जगह चल रहे हैं और इससे रिलेटेड आपको बाकी सब्जेक्ट के कोर्सेज भी मिल जाएंगे. ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 111 टेस्ट जो हैं आपके पास में एनटीपीसी के अवेलेबल हैं. इसके अलावा कोर्स अपना चल रहा है एनटीपीसी के लिए भी. और जो है दोस्तों आपको जानकर खुशी मिलेगी कि ग्रुप डी में भी दोस्तों अपना कोर्स और साहिल सर का कोर्स जो है वो चल रहा है. आप लोग वाईफाई आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं. एनटीपीसी के लिए वाईफाई एनटीपीसी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रुप डी के कोर्सेज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वाईफाई आरआरबी इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप ग्रुप डी के कोर्सेज में भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, एसएससी का चल ही रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, वाईफाई एसएससी यूज़ करके आप लोग एसएससी के कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं. ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहां पर चीजों को समझते हैं इस क्वेश्चन से पहले. ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्लॉक चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जो घड़ी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले बेसिक चीजें आपको बता देता हूं, फिर अपन लोग सीधे क्वेश्चन पे आएंगे. कम से कम 10 से 12 तरीके के क्वेश्चन घड़ी के अंदर बनते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं.
ठीक है, कम से कम 10 से 12 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और अपन उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले जो घड़ी होती है दोस्तों, उसके अंदर मैं बता दूं आपको, तीन सुइयां होती हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं, एक तो होती है मिनट वाली सुई, एक तो होती है मिनट हैंड, एक होती है हावर हैंड, आर हैंड, और एक होती है सेकंड हैंड, ठीक है। एक तो घंटे वाली सुई होती है, एक होती है अपनी मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई होती है, और एक होती है अपनी सेकंड वाली सुई, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। टोटल मिला के देखना, इधर यहाँ पर मिनट वाली सुई जो होती है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई जो होती है उसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये मिनट वाली सुई अभी 12 पर है, तो दोबारा 12 पे कब आएगी भाई, ये बताइए। सबसे पहले एंगल निकालना अपन लोग सीख रहे हैं कि सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं या कितनी देर में ये कितनी विस्थापित होती हैं, ठीक है। इन सुइयों की हम लोग बात करने वाले हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिएगा, मिनट वाली सुई 12 पर है, दोबारा 12 पर कब आएगी भाई, मिनट वाली सुई के लिए निकाल रहे हैं। तो मिनट वाली सुई एक घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, क्योंकि एक पूरा चक्कर कितने का होता है, 360 का होता है, ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना। एक कंप्लीट राउंड कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो बिल्कुल मेरे भाई आराम से शांत रहना, रिलैक्स रहना। ये सेशन उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जिनको पता ही नहीं है कि क्लॉक चैप्टर क्या होता है, और ये सेशन उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है मेरे भाई जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर है। ये गारंटेड ये सेशन उनके लिए भी है, क्योंकि ये सेशन आपको बता देगा कि आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत थी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए आराम से घर पे बैठे हुए, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी बुक का, किसी भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन का आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे यहां से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती, ठीक है, मिनट वाली सुई एक घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेती है। मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश से, ठीक है। ये एक मिनट हो गया, इसका मतलब है एक मिनट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैंने इस पर डबल डैश लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा एक सेकेंड, ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा डबल डैश, सिंगल डैश मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं पर भी लिखा हो सिंगल डैश तो वो मिनट है और डबल डैश सेकेंड है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिवाइड बाय 60, यानी यहाँ से रिजल्ट निकल के आया कि एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि मिनट वाली सुई जो है 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट का अगर उसने पूछा है, जैसे कि 2015 LP का जो क्वेश्चन हुआ था, RRB LP, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, LP का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण मिलेगा। तो 5 मिनट के निकालने के लिए हम लोग किससे, हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री हो गई, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ओरली क्वेश्चन है अगर कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अब देखिएगा, अब अगला कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ हार एंड के लिए, जो घंटे वाली सुई है उसके लिए बता रहा हूँ। देखिएगा, घंटे वाली सुई अभी 3 पर है, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, दोबारा 3 पर कब आएगी, जब जैसे अभी बड़ी वाली सुई 12 पर थी तो दोबारा 12 पे आई एक घंटे के अंदर। अब ऐसे ही ये घंटे वाली सुई जो है, समझ लो दोपहर के 3 बज रही है, तो दोबारा 3 कब बजेगी भाई, सुबह के 3, यानी कि जो एक बार क्रॉस कर लेगी पूरा, यानी कि 12 घंटे बाद वापस से 3 बजेगी। तो यहाँ पे घंटे वाली सुई के लिए हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए इधर हार एंड जो होता है, हार एंड यानी कि घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई के लिए कंसेप्ट देखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती, 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगी। अब जब 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगी तो हम लोग जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में कितने होंगे, 12 × 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाएगी, सही है। यानी कि टोटल मिला के हो गया 720 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से
एक मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिवाइड बाय 720। यहां से रिजल्ट निकल के आ गया कि घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। ये दूसरा कंसेप्ट हो गया, सही है, एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। और इसी तरीके से सेकंड वाली सुई के लिए भी निकाल लेंगे कि जो सेकंड वाली सुई होती है, ठीक है, सेकंड वाली सुई होती है वो एक मिनट में ही एक पूरा चक्कर लगा लेगी। सेकंड वाली सुई एक मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेगी, तो भैया एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है, यानी 60 सेकंड के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक सेकंड के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिवाइड बाय 60, एक सेकंड के अंदर कोण आएगा 6 डिग्री का। तो ये डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सेकंड वाली सुई एक सेकंड के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो हावर एंड घंटे वाली सुई होती है वो एक मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण बनाती है। और इसी तरीके से आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि भैया जो मिनट वाली सुई होती है वो मिनट वाली सुई एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का, ठीक है, मिनट वाली सुई एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का, घंटे वाली सुई एक मिनट के अंदर आधे डिग्री का, और सेकंड वाली सुई एक सेकंड के अंदर 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। अब एक चीज देखना यहां पर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखना। देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं दो नंबर के बीच में कोण बताऊं कि दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। ये जो दो नंबर हैं एक और दो के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, इसी तरीके से तीन और चार के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, पांच और छह के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 10 और 11 के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ठीक है, टोटल कितने नंबर है, 12 नंबर है, टोटल कितने नंबर है, 12 नंबर है, और पूरे 12 नंबर कितने डिग्री पे कवर हो रहे हैं, 360 डिग्री पे कवर हो रहे हैं। तो सीधा अगर 360 में अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो कितना आएगा, 12 + 36 30 डिग्री। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिएगा कि दो नंबर्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, हमेशा 30 डिग्री का होता है, ठीक है, याद रखना। टोटल 12 नंबर है, ठीक है, और पूरा एंगल, पूरा कंप्लीट सर्किल कितने का बनता है, 360 का बनता है, ठीक है। तो 360 में 12 का भाग लगाओगे तो कोई भी दो नंबर के बीच का जो कोण होगा वो सदैव कितना होगा, 30 डिग्री, सही है, कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, क्लियर है कि नहीं। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बता दो, एक बार थम्स अप करके बता देंगे सभी लोग कि यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक की जो भी रामायण मैंने छोटी सी बताई आपको कि भैया घड़ी क्या होती है, उसमें तीन सुइयां होती है, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली। मिनट वाली सुई एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। घंटे वाली सुई एक मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण बनाती है, सेकंड वाली सुई एक सेकंड के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, और मैंने आपको यहां पर यह बता दिया कि जो पूरा सर्किल होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है, ठीक है। अब 360 का पूरा सर्किल होता है तो मेरे भाई दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, सीधा 12 से डिवाइड कर दिया क्योंकि टोटल 12 नंबर होते हैं, तो 360 को 12 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 30 डिग्री। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ठीक है। शेयर कर देंगे एक बार सेशन को सभी लोग, फटाफट से, जल्दी से, तुरंत प्रभाव से सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है, और बिल्कुल आग लगा देंगे डेफिनेटली अपन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, चलो अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अपन। कोण ज्ञात करना सीखेंगे, क्या ज्ञात करना सीखेंगे, कोण, एंगल निकालना सीखेंगे भाई। सबसे पहले अपन जो सीखेंगे इसके अंदर क्या निकालेंगे, एंगल निकालना, कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना सीखने वाले हैं भाई, ठीक है, दो सुइयों के बीच में। बिटवीन मिनट एंड आर एंड, ठीक है, मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कोण निकालना सीख रहे हैं भाई अपन, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया, यहां पर जो दे रखा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कितने बजे, 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, ये लीजिए, 7:30 बजे हमको निकालना है कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है।
अब देखिए इसको मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, मुझे ये पता है कि भैया दो नंबर के बीच का कोण कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा। दो नंबर के बीच का कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और भैया ये 7 और 6 के बीच में तो 30 डिग्री का कोण हो गया। अब ये जो 7:30 बजे जो ये छोटी वाली सुई है, घंटे वाली सुई, वो 7 और 8 के बीच में होगी। अब 7 और 8 के बीच में होगी तो भैया 15 डिग्री और बनेगा। भाई दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण है, तो अगर आधा चल गई 7 और 8 के बीच में, बिल्कुल बीच में है अगर घंटे वाली सुई, क्योंकि 7:30 बजे बिल्कुल बीच में होगी, तो इन दोनों के बीच में 15 डिग्री का कोण होगा। और 15 + 30 कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। पर मेरे भाई एक चीज़ समझना यहाँ पर कि ये तो छोटा वाला कोण है, पर ऑप्शन में कौन सा दे रखा है हमें, उससे हमें अभी फिलहाल थोड़ी ना पता है कि ऑप्शन में कौन सा देगा। जरूरी है क्या 45 देगा? उसने बोला दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालिए, तो छोटा वाला कोण तो 45 डिग्री आपने निकाल लिया, ये तो 45 हो गया, सही है। पर भैया बाहर वाला कोण भी तो है, वो भी तो ऑप्शन में दे सकता है, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बाहर वाला एंगल भी तो दे सकता है, ठीक है। तो बाहर वाला एंगल कैसे निकालेंगे, कंप्लीट एंगल होता है 360 का, पूरा सर्किल होता है 360 का। अगर अंदर वाला 45 का दे रखा है तो बाहर वाला आपके पास में आ जाएगा 315, सही है कि नहीं है? तो बाहर वाला एंगल कितना हो गया, 315। तो अगर ऑप्शन में 315 दे रखा है तो 315 सही, अगर 45 दे रखा है तो 45 सही, सही है। दो एंगल निकलेंगे और आराम से आपने निकाल लिया कितना, 45 डिग्री। यहाँ पे 45 दे रखा है तो 45 को टिक कर देंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़, मस्त, एकदम शानदार। अब यहाँ पर चीज़ों को समझना, ये तो डायरेक्टली किया, पर आप इसके लिए फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। एंगल निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर, ठीक है। थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर, आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा, इधर जैसे थीटा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 11/2 इंटू मिनट, 7:30 बजे का टाइम था तो मिनट कितना है 30, माइनस फिर उसके बाद में क्या दे रखा है आपको, फिर यहाँ पे दे रखा है 30 इंटू आर, ठीक है। अब आर कितने हैं, 7, तो इसको सोल्व करिए, यहाँ से 15 से कट जाएगा, ये कितना आएगा, 165 माइनस ये कितना हो गया, 210, ठीक है। ये टोटल मिला के कितना आ गया, माइनस का 45। अब ये माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, मेरे बात सुन लेना भाई, एग्जाम में हमें इस माइनस से कोई मतलब नहीं होगा। हम ये पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। ये माइनस साइन अगर आ भी जाता है ना फॉर्मूला यूज करके, अगर आपका साइन आता है माइनस, तो माइनस सिर्फ ये चीज यूज ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एंगल है ना मिनट वाली सुई ने पहले ही बना दिया है। यानी फिक्स 7 बजे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उससे मिनट वाली सुई ने, अब देखिए अगर फिक्स 7 बजे एंगल निकालना होता तो मुझे पता है कि एक नंबर पे दो नंबर के बीच में एंगल कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो अगर 7 बजे एंगल निकालना होता तो 7 × 30 बराबर कितना आ जाता, 210, सही है ना। अब ये 210 है, पर मेरे भाई देखो इधर, यहाँ से ये चीज़ जो है 7 पर थोड़ी ना, ये आगे आ गई, ये आगे चली गई। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, बस इतनी सी चीज़ समझना कि अगर मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई आर एंड के साथ पहले ही एंगल बना लेती है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आपका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, 5:40 5:40 पर एंगल निकालना है, ठीक है। अब 5:40 पर एंगल निकालना है तो देखिएगा इधर, यहां पर आपको पता है कि 5 कहां पर बजने वाली है, ठीक है। ये देखिए 5:40 निकालना है तो बड़ी वाली सुई तो कहां पर होगी भाई, बड़ी वाली सुई तो होगी 8 पर, छोटी वाली सुई कहाँ होगी, इस जगह पर होगी, लगभग यहाँ पर बनेगा 5:40। अब भैया फॉर्मूला का यूज करो, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये आएगा 11/2, मिनट की वैल्यू कितनी है 40, माइनस 30 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 220 माइनस 150, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं घड़ी की बात करूँ यहाँ पर, कि अगर फिक्स 5 कहाँ पर बज रही है,
तो आपको चीजें एकदम क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, मैं चाहता हूं कि हर कंसेप्ट को आप लोग क्लियर करें, किसी भी तरीके से परेशान ना हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपको कैसे भी घुमा सकता है। जैसे अभी फिक्स 5 बज रही है, ये रहा, ये फिक्स 5 है। अब ये तो फिक्स 5 बजे का टाइम है, पर यहां पर टाइम कितने का है, 5:40। अब 5:40 पर ये बड़ी वाली जो सुई है वो घूमकर क्रॉस कर जाएगी ना भाई, सीधी सी बात है, बड़ी वाली सुई घूम के क्रॉस कर जाएगी छोटी वाली सुई को। अब बड़ी वाली सुई घूम के छोटी वाली सुई को क्रॉस कर गई, तो अब आपने एंगल फाइंड किया, तो एंगल क्या मिला आपको, पॉजिटिव एंगल मिला है, सही है कि नहीं है, कौन सा एंगल मिला है, पॉजिटिव। तो बस यहां पर समझ जाना मेरे भाई कि अगर क्रॉस करके आगे निकल गई है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके अगर आगे निकल गई है, तो आपका एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और अगर मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है, जैसे 7 बजे से अगर आप देखते तो 7:30 तक आइए, यानी पहले ही एंगल बना लिया, तो एंगल क्या मिला अपने को, नेगेटिव मिलेगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वहां पर 45 लिखा होगा और 315 लिखा होगा। जैसे अभी यहां पर अंदर वाला एंगल आपका कितना निकला है, 70 डिग्री का निकला है, तो बाहर वाला एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 - 70 कितना हो गया, 290। सही है, ये 290 हो गया। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी से थम्सअप करके बता दो, कोण निकालना आ गया कि नहीं आ गया भाई तुम्हें। एक एक करके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे एकदम जबरदस्त और शानदार तरीके से। जल्दी बता दो, तुरंत प्रभाव से बता दो कि क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहां तक थम्सअप कर दो फटाफट से, एक बार फटाफट से सब्सअप कर दीजिए कि हां सर एंगल निकालना आ गया। बिल्कुल सही कहा, अगर पीछे है पहले ही एंगल बना दिया तो नेगेटिव, अगर क्रॉस करके आगे निकल गई तो पॉजिटिव। जैसे अब 8:20 तुम्हारे दिमाग में आ गया कि यार छोटी वाली सुई तो 8 पर होगी, 8:20 यानी छोटी वाली सुई तो लगभग कहां होगी, 8 पर, और बड़ी वाली सुई कहां होगी, 4 पर होगी, तो 8:20 पे पहले ही एंगल बना दिया, तो इतना तो तुम्हें पता लग गया कि भैया एंगल अपना नेगेटिव निकल के आएगा। तो देखिए थीटा इक्वल टू कितना, 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी है, 20 - 30 इंटू आर की वैल्यू कितनी, 8, 2 से 20 को काट लिया 10, ये हो गया 110, और 8 + 24 = 240, ये आया -130। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस और प्लस सिर्फ ये बताता है कि भैया मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस किया है या फिर क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, बस इतना सा है, क्लियर है। दूसरा एंगल कैसे निकाल लेंगे, 360 - 130 इक्वल टू कितना हो गया, 230। तो ये दोनों एंगल आ गए, अगर ऑप्शन में 130 दे रखा है तो 130 सही है, अगर ऑप्शन में 230 दे रखा है तो 230 अपना आंसर होगा, क्योंकि दो एंगल निकलेंगे। ठीक है, यहां तक के कंसेप्ट में मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी। ठीक है, तो जल्दी से तुरंत प्रभाव से बताइए कि 2:30 पर मैंने सभी के क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं, हर क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, सोच सोच का फर्क है भाई। ठीक है, क्लियर है, आपको आना चाहिए, सही है कि नहीं है, आपको आना चाहिए। आज हर क्वेश्चन का मार्क आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, सही है नहीं है, कोई क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 नहीं, आपको सारे करने, कहने का मतलब है। ठीक है, सबको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, थिंक हटके। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, थीटा इक्वल टू, अब भैया 2:30 क्रॉस कर लिया ना इसने, तो 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू 30 माइनस 30 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कट जाएगा 15 बार, ये कितना हो गया, 165 - 60 कितना, 105। फर्स्ट एंगल तो ये आ गया थीटा 1 इक्वल टू 105, थीटा 2 इक्वल टू 360 - 105, सही कि नहीं, ये कितना आ जाएगा, 255। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है भाई उसने, 105 दे रखा है, तो 105 को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, मिनट व घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाने वाला कोण कितना होगा, घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच में। चलिए बता दीजिए, घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के बीच में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा,
अब यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर तो आ रहे हैं 6 डिग्री, मैं बताऊँ आपको, और कुछ के आंसर आ रहे हैं 5.5, कुछ के आ रहा है 7। सोचने वाली बातें यहाँ पर, देखिए इधर सोचने वाली बातें, देखना इधर, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, ये 11, 1, ये 2, 4, 5, 7 और ये 8, ठीक है। अभी मान लो सारी दोनों सुइयां जो है ना वो आपकी 12 पर ही है, बड़ी वाली सुई भी 12 पर है और छोटी वाली सुई भी 12 पर है, ठीक है। और भैया आपको पता है कि ये 12 और ये 1, और इनके बीच में खंड कितने होंगे, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5वें पे तो वहीं पहुंच जाएगा, सही है, 5 खंड होंगे, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए बड़ी वाली जो सुई है वो बोल रहा है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब भैया बड़ी वाली सुई चलेगी 1 मिनट, बड़ी वाली सुई देखना इधर, ये बड़ी वाली सुई 1 मिनट चलेगी, तो ऐसा थोड़ी है कि छोटी वाली सुई यहीं रहेगी, बड़ी वाली सुई 1 मिनट चलेगी, ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी कि छोटी वाली सुई यहीं रहेगी, बड़ी वाली सुई चलेगी तो भैया छोटी वाली भी चलेगी, सही है, नहीं बड़ी वाली चलेगी तो छोटी वाली भी चलेगी, सही है। तो बड़ी वाली सुई 1 मिनट के अंदर, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती, और आर एंड जो है घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको पता है। तो भैया अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो इन दोनों के बीच का कोण होगा, 6 और आधा यानी कि 6 डिग्री में से अगर आधा डिग्री आप माइनस कर देते हो, क्योंकि ये 6 डिग्री चली है तो ऐसा थोड़ी कि ये खड़ी है वहीं पे, ये भी आधा डिग्री चल जाएगी, तो 6 डिग्री में से आधा डिग्री चला गया, यानी दोनों के बीच में जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 5.5 डिग्री का आएगा ना, कितने का आएगा, 5.5 डिग्री का आएगा। तो क्वेश्चन को ढंग से और आंखें खोल के समझना मेरे भाई, वहां पे उठपटांग कुछ नहीं कि जो मन में आ रहा है अपन वो कर रहे हैं, सही है। उसने बोला कि घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, कब 1 मिनट में बनने वाला कोण का मान कितना होगा, तो 1 मिनट में ये चलेगी 6 डिग्री, 1 मिनट में ये चलेगी आधा डिग्री, 6 में से आधा चला गया 5.5। भैया ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है ना, ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है और रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं सीपीओ के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसके अलावा मैं बता दूं दिल्ली पुलिस के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, डीपी के अंदर इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से देख लीजिए। चलिए 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दर्शाएगी, चलिए करिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट से। एक घड़ी में 3 बजे का समय दिख रहा है, ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि 135 डिग्री घूमने के बाद, घंटे की सुई अगर 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दर्शाएगी। अब घड़ी तो घड़ी की दिशा में ही चलेगी ना भाई, ऐसा थोड़ी कि उल्टी चलने लग जाएगी, यहां पे ये मत सोचना कि 135 डिग्री में तो घड़ी की विपरीत दिशा में ले जाऊंगा। अगर घड़ी पढ़ रहे हैं तो बार बार वो बोलेगा नहीं कि दाईं तरफ घुमा रहे हैं कि बाईं तरफ घुमा रहे हैं, मेरे भाई समझ लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। वहां पर घड़ी की बात कर रहे हैं तो घड़ी की दिशा ही चलेगी हमेशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चलेगी, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमना है तो घंटे वाली सुई कहां आ जाएगी भैया ये बताओ, अभी 3 पर है, अगर 6 पर आ जाती तो भैया 90 हो जाता, सही है कि नहीं है, पर और आगे जाएगी ये, तो देखिए इस जगह पर जाएगी, अभी 3 पर है और 135 डिग्री अगर तुमने घुमा दिया, 135 डिग्री अगर आप घुमा देंगे, ये देखिए 135 डिग्री घुमा दिया, तो एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे वाली सुई अगर 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नहीं है यहां पर, 7:30 बजेगी मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 7 तो बजेगी नहीं ना, कितनी बजेगी, 7:30 बजेगी, क्योंकि देखिए 135 डिग्री कहां पर बनेगा, यह अभी अभी आपने पढ़ा है, 3 और 6 के बीच में ये तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 30, ये 30, ये 30, तो 30 और 30 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया। और अभी अभी आपने निकाला है कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण होता है, 45 का, सही है, तो भैया 45 प्लस 90 कितना हो जाएगा 135, जब 135 डिग्री घूमेंगे
तो दिमाग लगाएंगे मेरे भाई कि बड़ी वाली सुई तो 6 पर दिखेगी हमें और छोटी वाली सुई 7 और 8 के बिल्कुल बीच में, तो 7:30 बजे का समय बचेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन देखकर 7 7 7 टिक कर रहे थे। कॉमन सेंस यूज करो मेरे भाई, सही है कि नहीं है? दुनिया इधर की उधर हो जाए पर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि तुमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। आंसर क्या बनेगा? 7:30, सही है कि नहीं है? डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो 7:30 बजे का समय दिखेगा, सही है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया भाई। अर्जुन रामपाल और प्रीति जिंटा को छोड़ दे अभी, सही है नहीं है? नहीं तो पूरी जिंदगी भर अमरीश पूरी याद आएंगे, समझ रहे भाई मेरे? ठीक है, इसीलिए अच्छे से सपने अच्छे हो तो मेरे भाई कर्म भी अच्छे करो फिर उसके लिए, सही है कि नहीं है? मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो, पढ़ो अच्छे से, सारी चीजें हटा दो अभी साइड में। चलो नेक्स्ट। शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होंगी? मैं यहां पर एक कंसेप्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है ना? एक चीज समझना यहां पर, अब इस क्वेश्चन को अभी अगर चलो इसको या तो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एक चीज समझना आप लोग, मैं आपको एक एक करके सारे कंसेप्ट पहले क्लियर कर देता हूं। यहां पे इस क्वेश्चन को लेते हैं पर उससे पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आपके, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करता हूं 0 डिग्री, फिर मैं बात करूंगा 90 डिग्री और फिर मैं बात करूंगा 180 डिग्री। बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूजन में चलते हैं, ठीक है? घड़ी की 2 सुइयां जो होती हैं, एक एक करके कंसेप्ट ले रहा हूं। सबसे पहले 0 डिग्री वाले के लिए ले रहा हूं, ठीक है? देखना इधर, पहले एक कंसेप्ट समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यार मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अच्छे से एक बार सारी चीजें बता दूं ताकि बार बार जो ये असमंजस की स्थितियां पैदा होती है ना वो आपके जीवन में खत्म हो जाए। असमंजस की स्थितियां जो हैं ये आपकी, ठीक है, खत्म हो जाए। बस आप लोग जो है पूरा फोकस यहां पे रखो, ठीक है? एक बार देखना, जैसे मैंने समय ले लिया, अभी मैं समय ले रहा हूं, जैसे ये 2 बजे का समय ले रहा हूं, ठीक है? घड़ी में मैंने 2 बजे का समय ले लिया। अब घड़ी में मैंने 2 बजे का समय ले लिया, अब भैया मेरे को निकालना है कि ये 2 व 3 के बीच में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी 2 और 3 के बीच में, ठीक है? ये मेरे को निकालना है, 0 डिग्री का एंगल निकालना है, 0 डिग्री एंगल निकालना है भाई मेरे को, 0 डिग्री का कोण निकालना। अब यहां पर देखिए, अभी घड़ी में 2 बजे का समय हो रहा है, अब भैया घड़ी चलना स्टार्ट कर रही है, मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट कर रही है, मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी तो लगभग 2:10 के आसपास ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। ये बड़ी वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी और 2:10 पर घड़ी की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में होंगी। फिर ये भैया आगे जाएगी, बड़ी वाली सुई आगे जाएगी, मान लो बड़ी वाली सुई आ गई 6 पर, तो छोटी वाली सुई कहां पर आ जाएगी? 2 और 3 के बीच में, ये 2:30 बज गई, सही है? फिर ये बड़ी वाली सुई आगे चलेगी, आगे चलेगी, आगे चलेगी 2:00 और ये लगभग इस जगह पे आकर 41-42 मिनट के आसपास ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर भैया ये बड़ी वाली सुई चल के 12 पर आ जाएगी, तो छोटी वाली सुई कहाँ पर आ जाएगी? 3 पर आ जाएगी, सही है? नहीं है? यानी हमने फिक्स 2 बजे घड़ी को चलाना स्टार्ट किया तो घड़ी 2:10 पर लगभग समान डायरेक्शन में आई, सेम दिशा में आई। फिर आगे चलकर 2:41-42 के आसपास, क्योंकि 8 से ऊपर 41-42 के आसपास अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। फिर आगे वापस 12 पे हो गई, यानी 1 घंटा खत्म हो गया। तो 2 और 3 के बीच में घड़ी ने कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाया? 2 और 3 के बीच में लगभग 2:10 के आसपास दोनों सेम डायरेक्शन में थी, ठीक है? सेम डायरेक्शन यानी कि 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन यानी कितना? 0 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है? अब 0 डिग्री के लिए देखो कौन कौन से वर्ड आपको एग्जाम में दे सकता है, वहां कंफ्यूज मत होना। घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? संपाती वर्ड यूज हो सकता है। घड़ी की दोनों सुइयां कब एक एक ही दिशा में होंगी? एक ही दिशा में होंगी, या फिर लिखा हुआ हो सकता है घड़ी की दोनों सुइयां कब समान दिशा में होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब आच्छादित होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब आच्छादित होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है? घड़ी की दोनों सुइयां कब सेम डायरेक्शन में होंगी, तो इनमें से कोई से भी वर्ड यूज हो है ना, तो ये सबके सब वर्ड्स किसके लिए यूज हो रहे हैं?
ये सबके सब वर्ड यूज हो रहे हैं जीरो डिग्री एंगल के लिए, जीरो डिग्री एंगल जीरो डिग्री के कोण के लिए यूज हो रहा है, सही है कि नहीं? समान दिशा की बात होगी। घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, कब एक ही दिशा में होंगी, कभी समान दिशा में होंगी, कब आच्छादित होंगी, कब जीरो डिग्री का कोण बनाएगी, मेरे भाई समझ लेना, ये सारे के सारे जीरो डिग्री एंगल के लिए यूज होंगे, ठीक है ना। अब बात आती है यहां पर, यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया जीरो डिग्री के लिए कि घड़ी की सुई एक घंटे में, एक घंटे के अंदर, एक घंटे में एक बार जीरो डिग्री का कोण बनाती। लेकिन मेरे भाई एक चीज समझना यहां पर, इसी के अंदर समझना कि अगर घड़ी में इस वाले समय को अगर हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है ना, इस पर बेस्ड वो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन कराऊंगा, उसने ऐसे पूछा था कि सोमवार, सोमवार को दोपहर 3 बजे से अगले मंगलवार शाम के 6 बजे तक घड़ी कितनी बार जीरो डिग्री का कोण बनाएगी या घड़ी कितनी बार समान दिशा में आएगी, ये निकालना था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो मेरे भाई अभी यहां पर देख लेना, पहले कंसेप्ट समझ लेना, ये 11 से 1 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये 11 से 1 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पर घड़ी फिक्स 12 बजे समान दिशा में आती है, ये आपको पता है। जब आप 11 बजे से अगर लेना स्टार्ट करेंगे इसको, तो भैया देखना फिक्स 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में आएगी, 12 से 1 के बीच में ये सेम डायरेक्शन में आएगी ही नहीं, क्योंकि जब ये चलेगी बड़ी वाली सुई चलेगी तो छोटी वाली सुई 12:30 पे आ जाएगी, फिर ये बड़ी वाली सुई पहुंच के 12 पे आ जाएगी, ठीक है, तो छोटी वाली सुई कहाँ पे पहुंच जाएगी, 1 पर, तो भैया ये तो एंगल बना ही नहीं, फिर आगे जाएगी तो 1:05, तो 1 और 2 के बीच का टाइम पीरियड है ना, तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में फिक्स 12 बजे का टाइम पीरियड ही एक ऐसा टाइम पीरियड होगा, इन 2 घंटों के बीच में फिक्स 12 बजे ही एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जब वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो 1 घंटा कम हो गया कि नहीं हो गया, कब, 11 से 12 व 12 से 1, ठीक है, 11 से 12 व 12 से 1, इन 2 घंटों में फिक्स 12 बजे का टाइम पीरियड ही एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में आएगी। तो कंसेप्ट समझते हुए चलना कि घड़ी जीरो डिग्री का कोण एक घंटे में तो एक बार, परंतु 12 घंटे में 1 घंटा कम हो गया, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, सही है। और इसी तरीके से आगे निकाल लेंगे तो 24 घंटे के अंदर कितना हो गया, 22 बार सेम डायरेक्शन में होती है। ये कंसेप्ट याद रख लेना जीरो डिग्री के लिए कि घड़ी की दोनों सुइयां जो होती हैं एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार समान दिशा में होती हैं। तो क्वेश्चन ये था कि मंडे, क्वेश्चन ये आया एग्जाम में कि सोमवार, सोमवार दोपहर 3 बजे, सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार, ठीक है, मंगलवार शाम 6 बजे तक कितनी बार जीरो डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार जीरो डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन आया कि सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार शाम के 6 बजे तक कितनी बार जीरो डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से तुरंत प्रभाव से बता दो फटाफट से, सोमवार के दोपहर 3 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक, ये तो 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार हो गया, सॉरी 12 घंटे में कितनी, 24 घंटे में कितनी बार हो गया, 22 बार हो गया। फिर उसके बाद 3 से लेके 6 बजे तक हर एक घंटे में एक एक बार और बनेगी, तो भैया 22 और 3 कितने हो गए, 25, 22 और 3 कितने हो गए, 25। यहाँ पे किसी का आंसर अभी 28 आया था, यहाँ पे किसी का आंसर अभी 14 आया था, यही तो समझ है मेरे भाई, यही तो चीज सीखनी है कि कितने लोगों को चीजें क्लियर होती जा रही हैं, कंसेप्ट कितने के क्लियर होते जा रहे हैं, जबकि सब कुछ बता रहा हूँ डिटेल में, सारी चीजें समझा रहा हूँ, भले से 1 से 2 सेशन लेने पड़ जाएं, पर चीजें मैं आपको एक ही बार में सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। 25 जिस किसी का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। अरे भाई देखो ना इधर, इस जगह समझो, ये घड़ी है, ये घड़ी है भाई, ठीक है, इस घड़ी को समझना, यहां पर देखना, इधर मैंने बोला दोपहर के 3,
दोपहर के 3 से अगले दिन दोपहर के 3, ठीक है, कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे, सही है ना, 24 घंटे तो ये हो गए, 3 से 3, इस 3 से वापस से दो बार घूम के 3, यानी कि 24 घंटे हो गए। फिर उसके बाद में हमें 6 बजे तक जाना है, यानी 3 घंटे और लेने, कौन कौन से, 4, 5 और 6, ठीक है, ये 3 घंटे और लेने अपने को, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो 24 घंटे प्लस क्या हो गया, 24 घंटे और 3 घंटे वो वाले जहाँ पे हर घंटे पर एक एक बार समान दिशा में हो रही है, तो 24 घंटे में 22 बार तो ये हो गया, प्लस 3 घंटे में कितनी बार, 3 बार, तो टोटल कितना हो गया, 25 बार हो गया ना, यानी कि सोमवार दोपहर के 3 बजे से मंगलवार शाम के 6 बजे तक टोटल 25 बार ये समान दिशा में होंगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएगी, सही है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं 90 डिग्री की, घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी, सही है। अब देखना घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाती है, ये देखिएगा, यहां पे बना रहा हूं मैं, ठीक है, इधर देखिएगा, जैसे मैं टाइम ले रहा हूं 1 बजे से 2 बजे के बीच का, टाइम पीरियड ले रहा हूं भाई, देखिएगा इधर, ये 1 बजे का टाइम पीरियड हो रहा है, और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप सभी लोग जानते हो कि 15 मिनट का अंतर होना चाहिए, सही है, नहीं है, क्योंकि देखो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 15 मिनट का अंतर कैसे, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो भैया 15 मिनट में 15 छिंग कितना हो गया, 90 डिग्री का अंतर होगा, सही है। क्या अभी दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है क्या, नहीं, 1:05 पर तो ये समान दिशा में होंगी, 1:05 पर तो लगभग ये समान दिशा में होंगी, फिर ये आगे चलेगी, बड़ी वाली सुई आगे चलेगी तो छोटी वाली सुई भी आगे चलेगी भाई, तो भैया ये 2 से 2 के आगे, 3 के आगे, 4 के आगे, लगभग इस जगह पर आकर, और छोटी वाली सुई भी थोड़ी सी चल चुकी होगी, तो इस जगह पर आकर, यानी 1:21-22 के आसपास, 1:21-22 के आसपास जो है यहाँ पर, जो है इस जगह पर आपका है जो कोण बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं, तो 2 के नीचे, 3 के नीचे, 4 के नीचे, ठीक है ना, लगभग 1:21 के आसपास जो है आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर बड़ी वाली सुई 6 पर आ जाएगी, फिर आगे चलेगी, 1:35-36 के आसपास अपोजिट डायरेक्शन में होगी, फिर बड़ी वाली सुई आगे चलेगी, तो देखिए दूसरा कोण कब बनेगा, जब छोटी वाली सुई अभी 2 पर बिल्कुल नहीं आई है और ये बड़ी वाली सुई 11 पर है, तो इस जगह पर 1:54-55 के आसपास यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। पहला कोण तो बनेगा 1:21 के आसपास, और दूसरा कोण बनेगा यहाँ पर 15 मिनट का अंतर आएगा, 1:54-55 के आसपास, और फिर फिक्स 2 बज जाएगी, तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं आप, ठीक है, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। अब यहां पर कंसेप्ट देखिएगा, इस जगह पे कंसेप्ट समझना मेरे भाई, यहां पे समझिएगा, नब्बे डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार दो बार, ये कंसेप्ट तो निकल के आ गया, ठीक है, 90 डिग्री का कोण, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है एग्जाम में भैया, आजकल यहीं से क्वेश्चन आने लग गए हैं, आजकल वो चीजें गई, फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, आजकल क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं कि यहीं पर उलझ जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भैया अभी यहां पर जैसे फिक्स 2 बजे का टाइम पीरियड हो रहा है, लेकिन इन 2 घंटों में ये 2 से लेकर 4 बजे तक के जो ये 2 घंटे हैं और ये 8 से लेकर 10 बजे तक के बीच में 2 घंटे हैं, तो टोटल 4 बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, सही है कि नहीं भाई, 2 से 4 इन 2 घंटों में
चार बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए ना इस हिसाब से, तो पर चार बार नहीं बनता, एक कम हो जाता है। बनता कितनी बार है? तीन बार 90 डिग्री का कोण बनता है। कैसे? तीन बार कैसे? अभी बताऊंगा। इसके अलावा ऐसे ही 8 से 9, 9 से 10 के बीच में चार बार 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, पर चार बार नहीं बनता है, कितनी बार बनता है? तीन बार 90 डिग्री का कोण बनता है। मैं आपको डायरेक्टली यहां पर चीज बता रहा हूं कि फिक्स 9 बजे का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो दोनों के लिए काउंट होता है, क्योंकि भैया कोई भी समय घड़ी में 12 घंटे में तो एक बार ही बजेगा ना। अगर घड़ी में 9 बजे का समय बज रहा है, सपोज करो सुबह के 9 बजे का समय बज रहा है, तो दोबारा 9 तो कब बजेगी? रात की बजेगी, सही है नहीं? घड़ी में दिन में दोपहर के 3 बजे का समय हो रहा है तो दोबारा 3 कब बजेगी? 12 घंटे बाद। तो कोई भी समय 12 घंटे में एक बार ही बजता है, तो मेरे भाई 9 भी तो एक बार ही बजेगी। तो 8 से 9 और 9 से 10, इन दो घंटों में 9 तो एक बार ही बजेगी ना भाई, 12 घंटे के अंतर पे, तो 9 दोनों के लिए काउंट होता है, ठीक है? इसलिए चार बार की जगह तीन बार ही लिया जाता है, क्योंकि 9 दोनों में काउंट होगा। फिक्स 9 बजे का टाइम पीरियड जो होता है वो 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में भी काउंट होगा, और ऐसे ही फिक्स 3 बजे का जो टाइम पीरियड होगा, फिक्स 3 बजे का जो टाइम पीरियड होगा मेरे भाई, ठीक है, वो 2 से 3 और 3 से 4 दोनों के लिए काउंट होगा। तो यहां से एक और एक कम हो गया कि नहीं हो गया? सही है, नहीं है? एक और एक कितनी बार? दो बार कम हो गया, यानी यहां से रिजल्ट मिल गया मेरे पास कि एक घंटे में तो दो बार, लेकिन मेरे भाई यहां से रिजल्ट मिल गया कि 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, पर एक यहां से कम हो गया और एक यहां से कम हो गया है, एक और एक दो कम हो जाएंगे, तो मेरे भाई 24 की जगह कितनी बार? 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार बजता है। तो भैया एक दिन या 24 घंटे में कितनी बार हो गया? एक दिन या 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। भाई ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये छोटी छोटी चीजें हैं कि 2 से 4 और भैया यहां पर 8 से 10 के बीच में दोनों साइड से एक एक कोण कम हो जाता है 90 डिग्री का। तो याद रख लेना 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, पर 12 घंटे में हुआ कितनी बार? 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। थम्सअप कर दो, यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सही है कि नहीं है मेरे भाई? मेरा मकसद बस इतना सा, एक चीज ध्यान रख लेना बस, आप चीजें पढ़ो तो पूरी पढ़ो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तो हमेशा हानिकारक होता है, याद रख लेना, ठीक है? अगर आपको नॉलेज है पर आपको अगर आधी अधूरी नॉलेज है ना मेरे भाई, तो वो आपके लिए हमेशा हानिकारक होगी, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से पता है ना तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से नहीं पता है कि वो कौन सा समय है जहां पर भैया 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, ये नहीं पता है, तो क्वेश्चन तो वहां से बन सकता है ना। जैसे वो दे देगा आपको, जैसे क्वेश्चन मैं दे दूं यहां पर कि दोपहर के 1 बजे से 5 बजे के बीच में, ठीक है, दोपहर 1 बजे से 1 बजे से, ठीक है, शाम 5 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? बताइए 90 डिग्री का कोण कितनी बार बजे? जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल मेरे भाई, आग लगा देंगे अपन, मैं तो बोल रहा हूं साहब साहब, चीजें सीखो तो पूरी सीखो, वरना मत सीखो भाई, खत्म है। भले समय लग जाए पर चीजें तो पूरी सीखनी है, चाहे एक की जगह 2 सेशन लेने पड़ जाए, चाहे 3 सेशन लेने पड़ जाए, पर मेरे भाई सीखेंगे तो पूरी चीज। क्लियर है कि नहीं है? थम्सअप कर दो फटाफट से, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? सही है ना? बस सीखने के लिए तत्पर रहिए आप लोग, सिर्फ सीखना है अपने को चीजें। चलिए बहुत बढ़िया, अब इधर देखिएगा, दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक 90 डिग्री का कोण, ये निकालना है। अब देखना इधर, दोपहर 1 बजे से, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, दोपहर 1 बजे से देखिएगा, अब हमको पता है कि हर घंटे में दो बार बनता है, तो होना ये चाहिए था कि ये 1 घंटा, ये 2 घंटे, ये 3 घंटे और ये 4 घंटे, सही है? 4, दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक, यानी कितने घंटे हो गए? 4 घंटे।
अब 4 घंटे में, भैया हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने, 2 बार, तो 4 घंटे में होना कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, 8 बार बनना चाहिए था। पर भैया अब यहां पर देखो, 1 से लेके 5 तक जाओगे तो बीच में ये 2 घंटे आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन से वाले, 2 से 3 और 3 से 4। तो भैया इन 2 घंटों में 90 डिग्री का कोण कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्योंकि फिक्स 3 बजे का टाइम पीरियड दोनों के लिए काउंट होता है, 2 से 3 और 3 से 4 के लिए। तो भैया 1 बार यहां से कम कर देंगे, सही है ना, तो टोटल कितना आएगा, 7 बार अपना आंसर आएगा। तो ये टाइम पीरियड अगर पता होगा तभी तो कर पाओगे भाई, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 से 4 के बीच में 1 घंटा कम हो जाता है, यानी 90 डिग्री का कोण कम हो जाता है। इसी तरीके से 8 से 10 के बीच में भी भैया 90 डिग्री का कोण कम हो जाता है, कौन सा वाला, फिक्स 9 बजे वाला, सही है कि नहीं है। तो भैया ये आंसर आ गया, तो अब अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन ये था कि शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होगी। शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक, देखो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होंगी या 90 डिग्री का कोण बनाएगी, चलिए बताइए। ये देखिए शाम के 4, सही है, शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक, चलिए गिनिए, यहां तक जाना है। अब 4 से 10 ये कितने घंटे हो गए, ये 1 घंटा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक ये 6, 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे हो गए तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में 2 बार, सही है, 1 घंटे में 2 बार, लेकिन 6 घंटे में कितनी बार हो गया, 6 × 2 कितनी बार, 12 बार होना चाहिए था, पर 12 बार नहीं होगा, 8 से 10 का जो टाइम पीरियड है उसमें 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 को आप माइनस कर देंगे तो कितनी आ गया, 11 बार अपना आंसर आएगा, क्या आएगा, 11 बार, क्योंकि फिक्स 9 बजे का टाइम पीरियड जो है दोनों के लिए कैलकुलेट होगा ना, तो कितना आ गया, 11 बार। अब तो भैया अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया हो। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई तुम्हारे पास, दोनों चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन सी, एक तो 0 डिग्री वाली और एक 90 डिग्री वाली। 0 डिग्री का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है ना, क्या आया 0 डिग्री का क्या मतलब था, कि भैया 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार, ठीक है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है, और फिक्स 12 बजे का जो समय होता है ये वो समय होता है जो 11 से 12 और 12 से 1 इन 2 घंटों के लिए 1 बार काउंट होता है, ठीक है। 12 जो है वो दोनों के 1 बार ही तो बजेगी, 12 तो भैया 12 घंटे में 1 बार बजेगी, फिर दोबारा 12 कब बजेगी, 12 घंटे बाद, तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में फिक्स 12 बजे का टाइम पीरियड ऐसा है जब भैया घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएं, सही है, ये हो गया कंसेप्ट। अब अपन चलते हैं अगले चीज पर, ठीक है, अगली चीज पर करते हैं, 180 डिग्री वाले पर चलते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, 180 डिग्री के लिए कंसेप्ट देखना, क्योंकि क्वेश्चन आजकल यहां से आने लग गया यार, इस चीज पे कोई भी फोकस नहीं करता, सब फॉर्मूले बता के और आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, पर क्वेश्चन मैंने देखे कि रेलवे में मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हालांकि एनटीपीसी में बहुत कम देखने को मिलता है, पर मेरे भाई और बाकी के एग्जाम भी तो है ना, ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपन लोग ये स्पेशल सेशन पढ़ते हैं, तो दुनिया में कभी भी कोई सा भी एग्जाम दे लें अपन, ठीक है, अपना मूड का भरोसा थोड़ी, कभी भी घुस जाते हो आप तो इधर किसी भी एग्जाम के लिए, एक टारगेट तो आपका होता नहीं है, ये तो आप भी जानते हो, ठीक है, तो मेरे भाई चीज़ों को ढंग से सीखिए, क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं अब, सही है ना, क्लियर है, चलिए यार यहाँ पे एक बच्चा है जो कंटिन्यू, शिल्पा सुनो ना लिख रहा है, अरे भाई शिल्पा कैसे सुनेगी, क्यों सुनेगी, तेरी जॉब ले ली क्या तेने, वो तो उसकी सुनेगी जिसने जॉब ले ली, सही है कि नहीं, तो मेरे भाई पढ़ ले पहले, जॉब ले ले, सही है, फिर सुन ले क्या पता, सही है, तो बाद में पढ़ लेना, बाद में सुना देना यार, अभी पहले यहाँ फोकस कर ले, यहाँ पढ़ाई कर ले यार अच्छे से, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ गया होगा वो भाई मेरा, ठीक है, चलिए अब यहां पे देखना, 180 डिग्री के कोण की बात कर रहे हैं हम, ये फिक्स 2 बजे का टाइम पीरियड है,
ठीक है। अब ये फिक्स 2 बजे का टाइम पीरियड हो रहा है और मेरे को 180 डिग्री का कोण निकालना है, ठीक है ना। सभी बच्चे यहां पर देखेंगे भाई, पूरा फोकस यहां होना चाहिए, सही है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इधर देखना, इधर फिक्स 2 बजे का टाइम पीरियड हो रहा है और मेरे को 2 से 3 के बीच में इस 1 घंटे में निकालना है कि 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 180 डिग्री का मतलब ही क्या हो गया, विपरीत दिशा। 180 डिग्री का कोण का मतलब हो गया विपरीत दिशा, कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कितनी बार होंगी, सही है कि नहीं। तो चलो यहां पर देख लेना, फिक्स 2 बजे का टाइम पीरियड हो रहा है, अब बड़ी वाली स्विच चलना स्टार्ट करेगी। जब बड़ी वाली स्विच चलना स्टार्ट करेगी तो मेरे भाई ये इस जगह पर आकर 2:10 पर तो ये समान दिशा में हो जाएगी, सही है कि नहीं। 2:10 पर तो ये समान दिशा में हो जाएंगे, सही है। अब भैया देखना, ये बड़ी वाली सुई और आगे चलना स्टार्ट करेगी, बड़ी वाली सुई आ जाएगी कहां पर, बड़ी वाली सुई आ जाएगी 6 पर, तो छोटी वाली सुई कहां आ जाएगी, 2 और 3 के बीच में आ जाएगी। छोटी वाली सुई कहां आ जाएगी, 2 और 3 के बीच में। फिर ये बड़ी वाली सुई और आगे चलना स्टार्ट करेगी तो लगभग इस जगह पे आकर ये दोनों विपरीत दिशा में होंगी, ये दोनों विपरीत दिशा में होंगी कि नहीं होंगी। यहां पर इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा और ये टाइम पीरियड होगा लगभग 2:00 जो है आपके पास में, लगभग 43 मिनट के आसपास, 2:43 के आसपास यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फिर ये आगे चलेगा, ये बड़ी वाली सुई आगे चलेगी, बड़ी वाली सुई आगे चल के 12 पे पहुँच जाएगी, सही है, 12 पर पहुँच जाएगी तो फिक्स 3 बजे का टाइम पीरियड हो जाएगा और छोटी वाली सुई फिक्स 3 पर आ जाएगी। तो भैया यहाँ पर देखना, इधर कौन सी वाली चीज़, ये फिक्स 3 बज गई है, ठीक है, और ये 2:30 थी। अब यहां पर देखो, ये वाला जो टाइम पीरियड है 2:43 के आसपास 180 डिग्री का कोण बना, यानी 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार, ठीक है। यहां से रिजल्ट निकला कि 1 घंटे में 1 बार 180 डिग्री का कोण बनता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में 1 बार 180 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, 1 घंटे में 1 बार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो 12 घंटे में कुल कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, मेरे भाई ढंग से देख लेना। ये जैसे यहां पर 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण 1 बार ही बज रहा था फिक्स 12 बजे, है ना, आपको पता है। तो भैया ऐसे ही 5 से 6 और 6 से 7 इन 2 घंटों के बीच में फिक्स 6 बजे का टाइम पीरियड जो होगा वो एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां जो होंगी क्या होंगी, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, फिक्स 6 बजे का, यानी कि 5 से लेके 6 और 6 से लेके 7 इन 2 घंटों में फिक्स 6 बजे का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जो दोनों के लिए काउंट होगा, 5 से 6, 6 से 7, सही है कि नहीं है। एक बारी कोई भी समय 12 घंटे में 1 बार बजता है, तो 6 भी तो 1 बार ही बजेगी 12 घंटे में, सही है कि नहीं है। तो ये 1 कम हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से 5 से 6, 6 से 7 के बीच में फिक्स 6 बजे का टाइम पीरियड, तो 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, तो अगले 12 घंटे में भी 11 बार ही होगा, यानी टोटल मिला के 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको पूरी चीज़ें, ताकि आप परेशान ना हो किसी भी तरीके से। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सेम डायरेक्शन और समान दिशा में, यानी कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार, ठीक है। इसी तरीके से 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का कोण, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ठीक है, ये तो हो गया इसके लिए, ठीक है। फिर 90 डिग्री का देख लो कि 90 डिग्री का राइट एंगल या समकोण कब बनेगा, 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, ठीक है, और 24 घंटे में 44 बार, ये हो गया, सही है। फिर अगला तीसरा भी देख लो, ठीक है, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो भैया मैं बता दूं 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है चीज़ें।
तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था सर, यहाँ पे बोल रहे हैं कुमारी प्रियंका बोल रही है कि सर मजा आ गया, तो बिल्कुल भाई मजा ही आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एक ही चल रहा है अभी तो मेरे भाई, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी कहाँ खत्म हो रही है। यहाँ पे बहुत भारी डिमांड आई थी आप लोगों की कि सर क्लोक चैप्टर, तो मेरे भाई अब जब क्लोक चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो फिर ये मत करना कि भैया जल्दी जल्दी करा दो, जल्दी जल्दी पढ़ा दो, सर बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हो। मेरे भाई नहीं पढ़ना तो आराम से बाद में स्पीड बढ़ा के देख लेना, सीधा बोल रहा हूँ, सही है कि नहीं है। और जिसको पढ़ना है लाइव आराम से अच्छे तरीके से एक एक चीज ढंग से समझा रहा हूं, दोबारा कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, बस ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा प्रॉमिस है जो कि मैं हर स्पेशल सेशन में करता हूं। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आने दूंगा, मैंने आपको बता दिया सारी चीजें ढंग से पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट से जल्दी से बता दो एक बार, आ रहा है मजा आ गया एकदम शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया लाजवाब, बहुत ही बढ़िया लाजवाब, एकदम मजा आ गया, मक्खन की तरह क्लियर हो गई चीजें। अब यहां पर चलते हैं अपन आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, यहां पर चीजों को समझते हैं। ये सारी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, परेशान मत हो, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ही देखना इधर, ये है क्वेश्चन, ये है देखिएगा, अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड कंसेप्ट पढ़ते हैं, सेकंड कंसेप्ट ये है कि अभी तक अपन क्या निकाल रहे थे, एंगल निकाल रहे थे कोण, अभी तक तो अपन एंगल निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे, टाइम, टाइम निकालेंगे, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे, टाइम ज्ञात करेंगे, टाइम ज्ञात करेंगे भाई, ठीक है, कब, कब ज्ञात करेंगे, व्हेन, व्हेन एंगल इज गिवन, When angle is given, जब समय दे रखा हो, सही है, समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना जब कोण दे रखा हो, ठीक है, समय ज्ञात करना जब कोण दे रखा हो। अब यहां पर देखो भाई, इधर समझ लेना चीजों को ढंग से समझ लेना, समय ज्ञात करना है जब हमको कोण दे रखा हो, क्वेश्चन आपके सामने ये था, ठीक है, ये क्वेश्चन था कि 7 व 8 बजे के बीच में किस समय 45 डिग्री का कोण बनेगा, किसके बीच में, 7 व 8 बजे के बीच में, 7 व 8 बजे के बीच में किस समय 45 डिग्री का कोण बनेगा, पहले क्वेश्चन ढंग से समझ लेना मेरे भाई, उसके बाद करना सीधी सी बात है, ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लेना कि 45 डिग्री का कोण बनाना है 7 व 8 के बीच में, तो मेरे भाई 45 डिग्री का कोण तो दो बार बनेगा, ये देखो 45 डिग्री का जो कोण है भाई वो तो दो बार बनेगा, ये फिक्स समय हो रहा है, ये फिक्स समय हो रहा है भाई, देखना इधर फिक्स 7 बजे का समय हो रहा है। अब 45 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, 45 डिग्री का कोण, अभी एंगल कितने डिग्री का है, आपको पता है कि दो खंडों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7 या 21 210 डिग्री, अभी भैया 210 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने का कोण बन रहा है, 210, बाहर वाला कोण जो है वो 210 का है, हमें तो भैया 45 डिग्री का चाहिए, ये तो अभी 210 डिग्री का कोण है, तो देखो 45 डिग्री के कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समझना, अब ये बड़ी वाली सुई जो है, ठीक है, लगभग यहाँ पर देखो, अभी आपने निकाला था 45 डिग्री का कोण, ये बड़ी वाली सुई जो है यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई, बड़ी वाली सुई चल के यहाँ से लेके यहाँ पर आ गई, तो यहाँ जो कोण बना ये कितने का बना, 45 डिग्री का, 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनाया, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन आपने यही किया है आज के सेशन का, ये आपको भी पता है कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपने यही किया है कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मेरे भाई देख लो 7:30 बजे आपको पता है कि 45 डिग्री का कोण बनेगा, पर मेरे भाई 45 डिग्री का कोण बड़ी वाली सुई ने पहले ही बना लिया, बड़ी वाली सुई ने मिनट वाली सुई से पहले ही 45 डिग्री का कोण बना लिया है, सही है ना, एक बार तो यहां बनाया 45 डिग्री का, और दूसरी बार 45 डिग्री का कोण कब बनाएगी, जब ये मिनट वाली सुई क्रॉस करके आगे निकल जाएगी,
ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, तो यहाँ पर भी तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण यहाँ भी बना, 45 डिग्री का कोण यहाँ भी बना। यानी जब आपको समय दे रखा था और आप कोण निकाल रहे थे तो दो कोण आए थे, एक अंदर वाला कोण एक बाहर वाला कोण। उसी तरीके से जब आपको क्या दे रखा होगा, जब आपको समय दे रखा होगा, ठीक है, समय दे रखा होगा और एग्जैक्ट समय ज्ञात करना होगा कोण देखकर, तो कोण तो भैया दो बार बनेगा, एक पहले ही कोण बनेगा 45 का, एक बाद में बनेगा 45 डिग्री का, यानी दो समय निकल कर आएंगे। एक समय तो लगभग निकल के आया 7:30 और दूसरा समय लगभग जो निकल कर आएगा आपका 7:46 के आसपास, है ना, 45-46, 90 के ऊपर ही रहेगी थोड़ी सी, ठीक है, या 9 पर भी रह सकती, तो 45-46 ले लेता हूँ मैं अंदाजे से, 7:45-46 के आसपास 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि सर यहाँ पर जो है आशुतोष द्विवेदी बोल रहे हैं कि हे राम यहाँ पर कितना धांधली हो रही है। पहले बात तो मेरे भाई, हमारे जीवन में ही अगर धांधली हो तो सब जगह धांधली ही धांधली दिखाई देती है, सही है कि नहीं है? तो हमें अपना फोकस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। मैं सिर्फ आपसे इतनी सी चीज़ बोल रहा हूँ कि भैया 45 डिग्री का कोण निकालना है, 7 व 8 के बीच में कहाँ पर बनेगा। तो याद रखो जिस तरीके से कोण दो बार आए थे, ठीक है, उसी तरीके से समय भी दो बार आएंगे। दो बार कैसे आएंगे समय? ये फिक्स 7 का समय हो रहा है, बड़ी वाली सुई चलेगी तो भैया एक बार तो 45 डिग्री का कोण पहले ही बना लेगी, मिनट वाली सुई एक बार तो 45 डिग्री का कोण पहले ही बना लेगी। दूसरी बार 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब भैया बड़ी वाली सुई थोड़ी और आगे चल जाएगी और ये थोड़ा और करीब आ जाएगा इस जगह पर, तो इस जगह पर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार तो तब बनेगा जब भैया पहले ही कोण बना ले, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, सही है, और एक बार क्रॉस करने के बाद। तो एक बार आपको पता है कि जब एक बार पहले ही अगर एंगल बनाती है तो आपको पता है कि एंगल नेगेटिव मिलता है, यानी कि जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो -45 लेकर सोल्व करेंगे, और जब क्रॉस करके आगे निकल जाएगी तो एंगल पॉजिटिव मिलता है। तो भैया ये जो 45 डिग्री का कोण निकालना है ना, उसके लिए दो समय जो निकलेंगे उनमें से कौन सा समय दे रखा होगा हमें नहीं पता। अब भैया उनमें से कौन सा समय निकालना है, यानी चीज़ों को दो बार सोल्व करना पड़ेगा, सही है। एक बार तो -45 लेकर और एक बार +45 लेकर, सही है। तो सोल्व कैसे करेंगे ये देखिए, इस जगह पर देखिएगा, एकदम शानदार शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा फिर इसके बाद में। यहां पर देखिएगा, अभी 7 और 8 के बीच में, अब 7 और 8 के बीच का टाइम पीरियड निकालना है तो 7 तो बजेगी ना भाई, 7:00 तो होंगे, 7 और 8 के बीच का टाइम पीरियड पूछ रहा है तो 7 तो बजनी है, सही है कि नहीं? अब 7 बजनी है तो यहां पर आर का मान तो कितना हो गया, आर का मान तो हो गया 7, सही है नहीं है? एंगल तुम्हें यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है तुम्हें 45, पर अब तुम्हें यूज करना है कि कब तो तुम्हें 45 यूज करना है प्लस के और कब तुम्हें माइनस का 45 यूज करना है। मिनट तुम्हें ज्ञात करना है, मिनट तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, एक ही फॉर्मूला याद रखो। थीटा की वैल्यू एक बार ले लियो, तुम क्या ले रहे हो कि पहले ही एंगल बना रहे हो तो भैया -45 लेके सोल्व करोगे, ठीक है। -45 = 11/2, मिनट की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, -30 × r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर तुम्हारे पास, r की वैल्यू 7 है, ये 7 यूज कर लोगे। दूसरी बार तुम एक बार इसी क्वेश्चन को +45 लेकर सोल्व करोगे, क्योंकि तुम्हें क्या पता कि भैया पहले 7 और 8 के बीच में पहले जो एंगल बन गया उसका टाइम दे रखा है या क्रॉस करके आगे निकल गया उसका टाइम दे रखा है। तो यहां पर लोगे 11/2 इंटू मिनट -30 × r की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 और 8 के बीच का समय तो 7 तो बजेगी, घंटे वाला समय 7 हो गया, 7 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, यहां पर क्या आएगा, ये माइनस के 45, ये कितना होगा, 7×21 माइनस के 210, इधर आएंगे तो प्लस के 210 हो जाएंगे, बराबर ये कितना हो गया 11 × m, 11 m/2, सही है। इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो 210 में से 45 जाएंगे तो ये बनेगा 165, सही है, 165 बराबर 11 m/2। अब चाहो तो यहीं से काट दो,
इस 11 को इस 165 से काट दो, ठीक है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 बार आएगा, सही है, क्लियर है। तो 15 दूनी कितना हो गया 30, यहां से मिनट की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट की वैल्यू आ गई 30, यानी पहला समय तो आ गया तुम्हारे पास कि भैया 7:30 पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, सही है। अब यहां से निकाल लेते हैं प्लस 45 जो लिया है अपन ने, ये प्लस का 45 इधर आएगा, तो प्लस के 210 बराबर 11m/2। अब इसको सोल्व करो, 210 में 45 जोड़ोगे तो 255 हो जाएगा, 255 बराबर 11m/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 255 को 2 से गुणा करोगे, ठीक है, 255 को 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास में 510/11, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 11 × 44, ठीक है, 7 × 0 = 70, 11 × 6 = 66 और ये 4/11, ये समय आ गया तुम्हारे पास। तो दूसरा जो समय निकल के आया हुआ है 7:46 सही 4/11 मिनट। अब इसमें से कौन सा समय तुम्हें एग्जाम में दे रखा होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा, ये तुम देख लेना, 7:30 दिया है या 7:46, 46 सही 4/11 दिया है, जैसे यहां ऑप्शन में 7:30 दे रखा है, तो इसको टिक कर ले। अब बताओ ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जीवन में, उपस्थित है क्या अभी भी यहां पर ऐसी कोई क्लास में अपनी कि जिसको समझ में नहीं आया हो, ये बता दो तुम, इतना बढ़िया और शानदार तरीके से तुम्हें बताया है। कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला था थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 × h, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो एक बार कोण पहले ही बन जाएगा तो थीटा की वैल्यू माइनस में ले लेंगे, और भैया कोण अगर बाद में बन रहा है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करने के बाद कोण बना रही है तो भैया प्लस में ले लेंगे, ये खत्म हो गया। ऑप्शन अगर 7:30 दे रखा होता है तो 7:30 टिक कर लिया, अगर ऑप्शन में 7:46 = 4/11 दे रखा होता तो 7:46 = 4/11 टिक कर लेते। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बता दो, है क्या भाई कोई व्यक्ति है उपस्थित, नहीं है। अब बढ़िया और शानदार शॉर्टकट बता दूं क्या, और क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका बता दूं क्या, एक बार सभी लोगों को दिल से लाइक चाहूंगा, यहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं दिल से लाइक कर देंगे सभी लोग और शेयर कर देंगे सेशन को, एक बार आग लगा देंगे, पूरे इंडिया में फैल जाना चाहिए भाई, सही है, नहीं है, मस्त तरीके से। अब फिर बताने वाला हूं मैं, अब आपको यहां पर शॉर्टकट बताने वाला हूं कि क्वेश्चन को और शॉर्ट कैसे करें, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो प्रॉपर मेथड आ गया, आपको समझ में आ गया। अब भैया देखो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था कि 7 व 8 के बीच में कितने डिग्री का कोण, कोण चाहिए अपने को 45 डिग्री, कोण चाहिए कितना 45 डिग्री 7 और 8 के बीच में, समय पूछ रहा है तुमसे। तो आप इसका इसके लिए जो है फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, अगर आपको टाइम निकालना है तो आप टाइम ऐसे भी यूज कर सकते हो, 2/11 × a1 ± a2, बस आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 2/11 a1 ± a2, यहां पर a1 क्या है स्मॉलेस्ट गिवन एंगल, ठीक है, A1 तो क्या है स्मॉलेस्ट गिवन एंगल, और दूसरा क्या है A2 क्या है, A2 कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है, A2 कैसे निकालेंगे, 30 × r, ठीक है, या r की वैल्यू की जगह अपन क्या ले लेंगे टाइम, ठीक है, जो स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम ये दे दिया, ठीक है, इसको और शॉर्ट कर लेंगे। चलिए देखिएगा इधर, अब कर लेते हैं भाई यहां पर इसका डिफरेंस देख लेते हैं, खत्म, ये 2/11, ठीक है, इनटू a1 स्मॉलेस्ट गिवन एंगल कौन सा है 45 डिग्री 45, एक बार प्लस ले लो, प्लस में आप क्या ले लोगे यहां पर, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो या प्लस ले लो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लो, इसको a1 ले लो, इसको a2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहो तो a2 ले लो, इसको a1 ले लो, ठीक है, तो ये निकाल लो भाई सबसे पहले, ये 30 × स्टार्टिंग टाइम कितना दे रखा है 7 दे रखा है, सही है, तो 3 × 30 × 7
ये 30 × 7 माइनस ये कितना हो जाएगा, ए टू की वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट गिवन एंगल कितना है 45, सही है, ये कर लो इसको सोल्व, ये कितना होगा 210 में से 45 जाएगा, तो आप सभी लोग जानते ही हो कि 165 बचेगा, 2/11 × 165 ये आ गया 30 मिनट आ गया कि नहीं आ गया, यानी 7:30, सही है, नहीं दूसरा वाला निकालना होता तो इसी में क्या कर देते, एक को माइनस की जगह एक की जगह प्लस ले लेते, ये 2/11 × a1 की जगह क्या ले लोगे आप लोग, 30 × टाइम क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, इसमें प्लस का साइन लेकर स्मॉलेस्ट गिवन एंगल कौन सा है 45 है, उसको ले लोगे, ये 2/11 × कितना हो गया, ये 255, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 510/11 यानी कि 46 सही, 4/11 ये खत्म हो गया, 7:46 सही, 4/11, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम चीजों को किस तरीके से करते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम चीजों को कैसे यूज करते हैं, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो या फिर एक यूनिवर्सल जो फॉर्मूला तुम्हें याद है, θ = 11/2m − 30 × h, वो सबसे बेस्ट है, सही है कि नहीं, ये कर लो आप तो आराम से, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब बताओ हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि लोग हमें कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, मैंने तो बस तुम्हें एक फॉर्मूला ही तो सिखाया है, और क्या सिखाया है, कि जब आपको 7 व 8 या कोई भी टाइम के बीच में एक कोण देखकर समय ज्ञात करवाए आपसे, क्या ज्ञात करवाए, समय ज्ञात करवाए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 2/11 × a1 + −a2। माइनस का मतलब है, माइनस कब यूज करेंगे भैया, ये माइनस यूज किया तुमने, माइनस मतलब पहले ही एंगल बन जाएगा, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, बाद वाला टाइम आ जाएगा आपके पास में, सही है कि नहीं, इससे पहले वाला टाइम आ जाएगा, क्रॉस करने से पहले वाला, ये क्रॉस करने के बाद वाला आ जाएगा, सही है नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, क्लियर है, एक क्वेश्चन मुझे करके बता दो आप तो बस फटाफट से, 7 व 8 के बीच में दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होंगी, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे, 7 व 8 के बीच में, 7 व 8 के बीच में लंबवत 90 डिग्री का कोण निकालना, 7 व 8 के बीच में, भैया आप 7 व 8 के बीच में बोल रहे हैं 90 डिग्री का कोण, तो एक बात बताओ, ये फॉर्मूला अभी अभी तुमने पढ़ा, टाइम कैसे निकालेंगे 2/11 a1 + −a2, सही है, a1 + −a2 ऐसे निकालोगे भाई, खत्म, बाद ये ले लिया तुमने एक बार, तो a1 कैसे निकालोगे, a1 = 30 × गिवन टाइम कौन सा है 7, स्टार्टिंग टाइम का हो 7, तो ये हो गया 210, और a2 = कोण कितने का निकालना है, स्मॉलेस्ट गिवन नंबर कौन, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है 90, बस खत्म हो गई पिक्चर ही खत्म हो गई, ये 2/11 और एक बार तो तुम ले लोगे 210 प्लस 90 लेके सोल्व कर लोगे, और एक बार 2/11 ये ले लोगे 210 माइनस 90 लेके सोल्व कर लोगे, कर लो सोल्व, आ जाएगा एंगल, ये मिनट आ जाएगा आपके पास में, मिनट निकल के आ जाएंगे, मिनट निकाल लो यहां से, मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 × 300 × 600, ये हो जाएगा 600/11, तो मिनट आ गया तुम्हारे पास, 11 × 5 = 55, फिर उसके बाद में 11 × 44 54 × 6/11, पहला तो आ गया 7:54 × 6/11, दूसरा आ जाएगा 210 में से 90 जाएंगे तो आ जाएगा 120, सही है, 120 को 2 से गुणा करोगे तो 240/11, सोल्व कर लो, 11 × 2 = 22, ठीक है, 11 × 1 = 11, ये 9/11 ये आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, सही है, मजा आ रहा है एकदम मक्खन की तरह, ये दोनों निकालिए तुमने, ये लो ये दोनों निकालिए तुमने इसे, 2/11 a1 + −a2, सही है। अब मेरे भाई यहां पर शॉर्ट ट्रिक देख लेना, बहुत हो गई रामायण, अब भैया रामबाण विधि भी देख लेना, शॉर्ट ट्रिक देख लेना इधर, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देख लेना और समझ लेना शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि अगर आपका एंगल 0 डिग्री के लिए बन रहा है, अगर आपका एंगल 180 डिग्री के लिए, और अगर आपका समय 90 डिग्री के लिए मान लो पूछ रहा है, 0 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, तो जो भी समय बनता है, जो भी समय आएगा, ठीक है, इन तीनों के लिए जो भी समय आएगा उन तीनों में, ठीक है, जो भी आंसर होगा मैक्सिमम आपको क्या करेगा, जैसे अभी यहां पर आया आपका आंसर आया 7:54 × 6/11, तो आप तो ये भैया इकाई का अंक या अंश का मान, ठीक है, न्यूमिनेटर देख लेना,
न्यूमिनेटर अंश का मान और पूर्ण संख्या का इकाई अंक, ठीक है, जो होल नंबर है, ठीक है, उसका यूनिट प्लेस, होल नंबर का यूनिट प्लेस जो है, ये देख लेना, बस यूनिट प्लेस देख लेना, ठीक है, इकाई का अंक देख लेना भाई, ये इकाई अंक और भैया ये अंश का मान, ये देख लेना बस, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 6 प्लस 4 बराबर कितना 10 बन रहा है। तो भैया यहां पर देखो, डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था, बिना पेन चलाए हुए मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था, मेरे भाई ये 6 दे रखा है अंश का मान और इकाई का अंक ये 5 दे रखा है, 6 और 5 का योग कितना हो रहा है, 6 और 5 का योग तो भैया 11 हो रहा है, तो भैया ये अपना आंसर नहीं है। जो ए ऑप्शन तुक्का लगा रहे हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूं कि तुक्का लगाओ तो थोड़ा सही लगा लेना मेरे भाई, यहां पर देख लेना 10 तो नहीं बन रहा है, यहां 10 नहीं बन रहा तो वो अपना आंसर नहीं है। यहां पर देख लो 2 और 3 का मान, क्या 10 बन रहा है क्या, ये अपना आंसर नहीं है। यहां पर 2 और ये 5, क्या इसका योग 10 बन रहा है क्या, ये भी अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर कौन सा, एक ही है, ये वाला अपना आंसर यही है, क्योंकि ये 9 और ये 1, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 9 और 1 इन दोनों का योग 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खत्म हो गई पिक्चर, मजा आ गया कि नहीं आ गया ये बता दो फटाफट से। बेसिक कंसेप्ट, कंसेप्ट के क्वेश्चन करने के तरीके और उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक, अगर इससे बेस्ट अगर तुम्हें पूरे यूट्यूब के इतिहास में मिल जाए ना तो नाम बदल देना भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, दंगे की चोट पे बोल रहा हूं, चीजें सीखो तो ढंग से सीखो और पूरी सीखो, वरना मत सीखो, सीधा एक ही उसूल याद रखो बस, सही है कि नहीं है, क्योंकि बार बार यही थोड़ी है कि भैया परेशानी होते रहेंगे उधर उधर। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं एनटीपीसी की क्लास में, मैं आपको बताऊं प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, फिर भी आप लोगों की इतनी भारी डिमांड आई कि सर क्लॉक चैप्टर कराओ, तो मेरे भाई क्लॉक चैप्टर चल रहा है, दिल से लाइक कर दो और शेयर कर दो सेशन को, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई मेरे, आ गया कि नहीं आ गया, बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मस्त, बहुत ही बढ़िया, शानदार, एक नंबर, एक नंबर भाई, एक नंबर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर देखिएगा, इधर सारी चीजें अपन ने कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, ठीक है, बहुत अच्छे से कर ली। अब क्वेश्चन मेरे पास में जो था, ठीक है, ये था, देखना इधर, जैसे एक क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था वो, ठीक है, उस क्वेश्चन को एक बार ले लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के आया हुआ, अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कितने बजे 90 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच में, अभी अपन ने किया ही सर, ये रहा, ठीक है ना, 54 से ही 6 बटा 11 आया एक तो, और 21 से ही 9 बटा 11 आया, तो देखो यहाँ तो 10 बन ही नहीं रहा, इसमें 10 नहीं बन रहा था, 6 और 6 12 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो वही बनेंगे ए ऑप्शन, और इसको फिर हटाओ कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल क्या आंसर है, ये आपको पता है, आपने निकाला ही है, ठीक है, डायरेक्टली देखते ही कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे ये बोल रहा है 5.5 और 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाना है, 5.5 और 6 के बीच में, मेरे भाई ध्यान से देख लेना, आंखें खोल के देख लेना एक बार, अब कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया उसने, 5.5 और 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण बोल रहा है तुमसे, तो एक तरीके से ये वही क्वेश्चन है कि 5 व 6 के बीच में, 5 व 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण निकालना है तुम्हें, पर तुम्हें दे दिया 5.5 और 6 के बीच में, एक बात बताना 5.5 और 6 के बीच में क्या कंसेप्ट है, यहां पर कंसेप्ट भी समझ लेना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, 5.5 और 6 के बीच में बोल रहे हैं, तो 5.5 कहां बजेगी भाई, 5.5 कहां बजेगी भैया, ये 5 और ये बड़ी वाली सुई 6 पर, ये हो गया 5.5, ये 5.5 बजे का टाइम पीरियड है फिक्स, ठीक है। अब भैया बड़ी वाली सुई ने अगर पहले एंगल बनाया होता, ठीक है, मिनट वाली सुई के साथ पहले एंगल बनाया होता, तो अपन फॉर्मूले के अंदर, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, मिनट निकालने का जो फॉर्मूला है, क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर पहले ही एंगल बना रखा होता तो भैया माइनस का साइन यूज करते, पर 5.5 से 6 के बीच में अगर जाएंगे तो भैया पॉजिटिव लेंगे ना, 5.5 से 6 के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण निकालना है तो सीधा सा समझ में आ गया कि एक ही मान निकल कर आएगा, और एक ही मान निकल के आएगा तो पॉजिटिव लेना है फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला पॉजिटिव ले लेंगे, कितना 2/11 इंटू, अब भैया A1 की वैल्यू निकाल लो,
ए वन बराबर क्या बनेगा, 30 इंटू स्टार्टिंग समय कौन सा है, 5 दे रखा है, 5 और 6 के बीच का है क्वेश्चन, समझना, 5.5 जबरदस्ती दिया है उसने, यानी एक ही एंगल फाइंड करवा रहा है, तो समय तो 5 और 6, घंटा तो यही लेंगे ना 5 और 6 के बीच में, तो 5 दिया 15, 150 तो ये हो गया, सही है। ए टू बराबर क्या लोगे, ए टू बराबर कितने डिग्री का कोण निकालना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 90 डिग्री, बस खत्म हो गई पिक्चर, पॉजिटिव लेके सोल्व कर लेंगे, ये 150 प्लस 90 खत्म, 150 प्लस 90 कितना हो गया, ये 240 हो गया, 240 इंटू 2 480, ठीक है, यहां लिख लेता हूं, ये 240, ठीक है, इसको आगे जाके क्या करेंगे, 480/11, ठीक है, 480/11 सोल्व कर लो, 4 चौक 44, फिर क्या बचेगा, ये 3, ठीक है, 43 सही, 7/11 ये आ गया, ये आ गया भैया तुम्हारे पास आंसर आ गया, 5.5 और 6 के बीच में 5:43 सही 7/11 मिनट, ये आ गया, सही है, नहीं तो 5:40 मिनट नहीं होगा, 5:45 मिनट नहीं होगा, और वैसे भी अगर डायरेक्टली देखते तो बाय ऑप्शनली कर सकते थे, ये देखो 3 और 7 का योग 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 और 7 का योग 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये लीजिए, जब भी 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री बोले सीधा टिक कर देंगे जहां पर योग 10 हो रहा होगा, ये तो शॉर्ट ट्रिक से, 3 और 7 का योग कितना 10, सही कि नहीं, तो फटाफट से तुरंत प्रभाव से अब सिर्फ क्वेश्चन देखकर मुझे ये बता दो, अब बोल रहा है 5 और 5:30 के बीच में, वहां तो 5:30 और 6 के बीच में बोला था, अब बोल रहा है कि 5 और 5:30 के बीच में, तो हमें तो पता है भैया कंसेप्ट तो ये होता है कि 5 से 6 के बीच में निकालें, तो ए वन कैसे निकालेंगे, ठीक है, ए टू तो तुम्हारे पास दे दिया सीधा कितना 90 डिग्री का कोण निकालना है, ए वन कैसे निकालते हैं, 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम कितना है 5, कितना हो गया 150, अब भैया पहले ही एंगल बन रहा है तो भैया फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे, 2/11 ए वन माइनस ए टू यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर पहले ही एंगल बन जाएगा 5 और 5:30 के बीच में, तो क्या क्या यूज करेंगे, माइनस, और वहां पर अपन क्या यूज कर रहे थे भाई, वहां पर क्या यूज कर रहे थे, ये क्वेश्चन जो था इसमें क्या यूज कर रहे थे, 5 और 6 के बीच में, तो 5.5 और 6 के बीच में जब निकाल रहे थे तो यहां पर प्लस यूज कर रहे थे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए, अब सोल्व करिए, 2/11 इंटू यहां ले लेंगे 150 माइनस 90 कितना हो गया 60, ये दोनों हो गया 120/11, तो आ गया आपके पास में मिनट निकल के आ गया 10 सही 10/11, ठीक है, अब देख लो बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, वैसे तो आ गया 5:10 सही 10/11 मिनट, पर अब यहां पर देखना, यहां पे 0 और 9 का योग 9 हो रहा है तो ये अपना आंसर नहीं है, यहां पर 1 और 10 का योग कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है, सही है, नहीं, और जब एक आंसर दे रखा है 10 सही 10 तो टोटल 10 बन रहा है ना, 10+0 कितना बन रहा है 10, तो ये पहला वाला आंसर आ गया अपना, आ गया कि नहीं आ गया, ए ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया क्या भाई सभी लोगों को, जल्दी से बता दो यार मुझे, तुरंत प्रभाव से फटाफट से बता दो, यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, सिर्फ और सिर्फ कोण और मैंने आपको सिखाया है कि एंगल से, ठीक है, एंगल से टाइम कैसे निकालते हैं और टाइम से एंगल निकालना क्या होता है, दो चीजें सिखाई है, एंगल से टाइम, टाइम से एंगल, दो चीजें मैंने आपको सिखाई, दोनों चीजें समझ में आ गई क्या भाई, बढ़िया तरीके से ये बता दो, फटाफट से बता दो, तुरंत प्रभाव से, मजा आ गया ना एकदम, मक्खन की तरह चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, एक एक कंसेप्ट को बहुत ही आराम से और शानदार तरीके से सिखाया है तुम्हें, बढ़िया शॉर्ट से शॉर्ट, बढ़िया मेथड से, कि माइनस कब यूज करेंगे फॉर्मूला में, कि जब भैया क्रॉस करके आगे निकल जाएगी मिनट वाली सुई, क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, देखो ना 5 और 5:30 कंसेप्ट बनता था 5 और 6 के बीच में, पर क्वेश्चन आया कि 5 और 5:30 के बीच में क्या एंगल बनेगा, अरे भाई 5.5 और 6 के बीच में क्या एंगल बनेगा, तो दोनों के लिए चीजें याद रख लो, फॉर्मूला ये होता है a1 + -a2, ठीक है, अगर पहले ही पहले घंटे के अगर पहले ही बन रहा है, ठीक है, आधे घंटे के पहले में ही अगर एंगल बन रहा है तो याद रख लेना, आप क्या यूज करेंगे यहां पर, आप माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक है, और क्रॉस करके अगर आगे जा रहा है, क्रॉस करके आगे, ठीक है, क्रॉस करके अगर आगे जाता है तो प्लस साइन का यूज करेंगे, जैसे यहां पर 5.5 और 6 के बीच में आधे घंटे के बाद का टाइम पीरियड बोल रहा है, तो देखो प्लस यूज किया है तुमने, सही है, पर इससे ये क्वेश्चन किया फिर तुमने, और अगर भैया पहले ही देखो 5 और 5:30 के बीच का ही पूछ रहा है अगर,
तो पांच और साढ़े पांच के बीच के पहले क्या यूज करोगे, इसमें माइनस यूज करोगे, सही है ना। तो सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पे देखना, इस जगह पर देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ढंग से समझ लेना एक बार, क्वेश्चन पहले ढंग से देख लेना। क्या बोल रहा है, दो व तीन बजे के बीच में, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय, टाइम पूछ रहा है किस समय, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सीधी में होंगी लेकिन एक साथ नहीं, एक सीध में होंगी यानी एक एक स्ट्रेट लाइन में तो होंगी पर दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, यानी ये वाला कंसेप्ट नहीं बनेगा। कौन सा वाला, जीरो डिग्री वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं बनेगा। कंसेप्ट कौन सा बनेगा, एक सीधी रेखा में तो होंगी पर एक साथ नहीं होंगी यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगी, 180 डिग्री वाला कंसेप्ट बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सा कंसेप्ट बनेगा, 180 डिग्री वाला। यानी ये पूछना चाह रहा है कि दो और तीन बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। मेरे भाई मैं कह रहा हूं पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देख लो, यहां पर, यहां पर देखो अंश का मान और इकाई का अंक 10 नहीं बन रहा है, क्रॉस कर दिया। अंश का मान और इकाई का अंक 10 नहीं बन रहा है, क्रॉस कर लिया। अंश का मान न्यूमिनेटर और भैया होल नंबर का इकाई अंक यूनिट प्लेस 10 नहीं बन रहा है, क्रॉस कर दिया, खत्म। चार में से तीन गए और एक अपने पास आंसर आ गया कि नहीं आ गया, मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई। बारह पैतालीस पर तुम्हारे लिए जबरदस्त सेशन लेकर आ रहे हैं, गजब का सेशन लेकर आ रहे हैं साहिल सर और मैं, बिल्कुल आग लगा देंगे इस बार, ठीक है, हर एक कंसेप्ट में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एकदम माहौल बना देंगे। बस आप लोग जो है डेडिकेशन के साथ में बस मुझे ये बता दीजिए, थम्सअप कर दीजिए कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। 180 डिग्री के लिए पूछ रहा था, ठीक है, दो और तीन के बीच में तो सोल्व कर लिया अपन ने आराम से, सही है, नहीं है 180 यूज कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बहुत ही लाजवाब, ढंग से पढ़ लो एक बार अच्छे से, या आप लोगों के लिए मोटिवेशन, ठीक है मेरे भाई। देखिए इधर क्या लिखा है, निंदा से घबराकर लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो जो लोग आज निंदा कर रहे हैं ना तुम्हारी, अरे इतने साल हो गए क्या कर रहा है ये, ठीक है, घर वाले ही बोल देते हैं बहुत सी बार, तो सही है, नहीं आस पड़ोस की तो छोड़ो कि यार इतना टाइम हो गया कर क्या रहा है, माता पिता ही कह देते हैं कभी कभार, तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना। वो जो भी कहते हैं अपने लिए कहते हैं, क्योंकि वो अपने हैं, ठीक है, वो कह सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब बाहर वाला कहने लग जाता है ना, तो भैया मन को चोट और ज़्यादा पहुंचना शुरू हो जाती है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बस एक ही चीज़ याद रखो, जिस दिन सफलता मिलेगी ना उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल प्रयास करते रहना, प्रयास कभी मत छोड़ना। जिंदगी में प्रयास करते रहोगे ना मेरे भाई, तो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे और कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। आपको पता है इंसान हारता कब है, इंसान हारता तब है जब वो चीज़ को बीच में छोड़ देता है, ठीक है, या लास्ट मोमेंट पर आते आते वो चीज को ड्रॉप कर देता है। तो ड्रॉप नहीं करना है, अभी वही समय चल रहा है अपना, ठीक है, अपने को मेहनत करनी है और मेहनत करके आगे बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अपन इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, बिल्कुल परेशान मत होना बस, ठीक है, आराम से जो चीजें सिखाई जा रही है बस उनको सीखते जाओ। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार जिंदगी में गलती आ गई धरती पर बहुत से लोगों के मन में आता है ऐसा कि यार क्या है पढ़ाई लिखाई क्या मतलब है, पर मेरे भाई दिमाग को स्थिर रख के सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। आप ये मत देखो कि पिछला समय आपका कैसा गया है, आप ये देखो बस कि आज का जो समय है ना जो आपके पास में है उसमें आप कितना कर सकते हो, ठीक है। पिछले जो समय बीत गया उसको एनालिसिस करके सिर्फ ये देखो कि कहाँ गलती रही, वो गलती आज और आगे वाले टाइम पे नहीं होनी चाहिए,
सही है ना, तभी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, पूरी वाईफाई स्टडी की पूरी टीम, साहिल सर, मैं सब चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्शन लें फटाफट से, जो है नौकरी पे लगे मेरे भाई। जो आपकी तमन्ना है, जो आपके ड्रीम है, उनको आप पूरा करें, अपना गोल डिसाइड करें, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें मेरे भाई। और क्या चाहिए लाइफ में, सही है कि नहीं? तो बिल्कुल बने रहिए। और इसी के बिहाफ पर दोस्तों आपके लिए जो है, ऑलरेडी आपको पता है कि टेस्ट लेके आए हुए हैं, ये टेस्ट आपके लिए लेके आए हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और 2 दिसंबर, कल है 2 दिसंबर, और मैं आपको बता दूं कि 2 दिसंबर को मैं आपको वीडियो के, इसके जो टेस्ट के सॉल्यूशन के एनालिसिस करवाने वाला हूं, ठीक है, रीजनिंग के भी और मैथ के भी मैं भी करवाने वाला हूं, और साहिल सर भी आपको जो है इनके जो टेस्ट अपने चल रहे हैं उसके एनालिसिस करवाने वाले हैं। मेरे को बिल्कुल हर एक चीज को ढंग से, जहां भी कमी रहे टेस्ट देना, और कल जो एनालिसिस होगा उसके अंदर आके मिलना, आज ही तुरंत ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। अगर टेस्ट नहीं दिए तो टेस्ट आज ही ज्वाइन कर लेना। वाईफाई NTPC ये रेफरल कोड लगाकर आप इन टेस्टों में एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास में कोर्स भी अवेलेबल हैं, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेरा कोर्स चल रहा है, इसी तरीके से साहिल सर का भी कोर्स चल रहा है, GK GS का भी कोर्स इसी में चल रहा है, यानी एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान के थ्रू आपको इन सब में एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल, और इसके अलावा RRB पे एक इवेंट लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और RRB में भी मेरे भाई कोर्सेज चल रहे हैं ग्रुप डी के लिए। तो जो बच्चे ग्रुप डी के सोए हुए हैं ना, वो सोना नहीं, आपको भी मेहनत करते रहनी है, और आप लोगों को वाईफाई RRB रेफरल कोड यूज करके इनमें एक्सेस मिल जाएगा, परेशान मत होना। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। आप लोग जो है सेशन को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल इंडिया लेवल में सब जगह पहुंच जाना चाहिए मेरे भाई, हर ग्रुप हर सोशल मीडिया पे ये सेशन होना चाहिए, बस इतनी सी उम्मीद करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।